साथियों नमस्कार, फार्मेसी लीडर चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एलएस आर्य। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे, वो छोटे बच्चों में खांसी का एक सिरप है। आजकल आप देख रहे हैं छोटे बच्चों में जो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, छोटे बच्चों में खांसी शुरू हो चुकी है, और ये सूखी खांसी में या मलगम वाली खांसी में दोनों में ही बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो ये है एक टिक्सिलिक्स जो है ये चिल्ड्रंस कप सिरप है, चेरी फ्लेवर में आता है और ये सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छा सिरप माना जाता है। 60 ml का ये पैक है और एबोट इंडिया जो एबोट फार्मास्यूटिकल्स एबोट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का ये एक प्रोडक्ट है और इसकी जो मार्केट में कीमत है ये इसकी 60 ml की, ये 60 ml का पैक होता है, इसकी मार्केट में जो कीमत है वो 102.30 यानी कि 102.30 रुपये का ये मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसके अंदर जानते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। तो ये डेक्सटोमीथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफिनारामिन मैलिएट सिरप होता है, टिक्सिलिक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो डॉक्टर इसको क्या करते हैं, जो सूखी खांसी होती है उसमें इसको दिलवाते हैं छोटे बच्चों में। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स पाए जाते हैं। तो ईच 5 ml कंटेंट्स डेक्सटोमीथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 5 mg पाया जाता है, क्लोरफिनारामिन मैलिएट इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 2 mg पाया जाता है। इन्हें फ्लेवर्ड सिरप बेस QS पाए जाते हैं, कलर जो है इसका कैरामेल होता है, और इसको जो है हमेशा छोटे बच्चों को देने से पहले मिक्स कर लें, जब भी करें तो शेक वेल बिफोर यूज इसको करें, शेक वेल बिफोर यूज मतलब इसको हिलाएं, मिक्स कर लें दवाई को और तब छोटे बच्चों को दें। तो ये इसके यूजेज हम बता चुके हैं, ड्राई खांसी में, सूखी खांसी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब इसके साइड इफेक्ट थोड़ा जान लेते हैं। तो इसको देने के बाद यदि बच्चे को उल्टियाँ आती हैं, दस्त आते हैं और उसके शरीर पे कहीं स्किन या रैशेज होते हैं, पित्ती जैसी उछल सकती है, तो तत्काल प्रभाव से इसका सेवन बंद कर दें। और उसको नोजियाँ हो सकती हैं, उल्टी जैसा, जी मिचला सकता है, और ये सब समस्याएं यदि होती हैं यानी कि नोजिया, वोमिटिंग, डिसेंट्री और स्किन एलर्जी, तो आप तत्काल प्रभाव से नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, जो पेडियाट्रिक्स होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उनसे मिलें। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा हार्मफुल होता है, डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी मेडिसिन लें। अब इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो डोज है वो आपका क्या कहते हैं, 0 से 6 माह के बच्चे को 3-3 ml देनी है आपको सुबह, दोपहर, शाम। डॉक्टर जो है 3-3 ml दिलवाते हैं सुबह, दोपहर, शाम। और 6 माह से और 2 साल का बच्चा है तो उसको जो है 5-5 ml देनी है सुबह, दोपहर, शाम। और 5 साल से जो है 7 साल का बच्चा है तो उसको 7-7 ml सुबह, दोपहर, शाम देनी है। ये डॉक्टर इसकी डोज होती है। और यही सब था इसके बारे में। तो सूखी खांसी में टिक्सिलिक्स का सिरप करें, सेवन करें। ये टिक्सिलिक्स सिरप जो है बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर डेक्सटोमीथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरफिनारामिन मैलिएट पाया जाता है, ये खांसी के लिए बहुत अच्छा सिरप होता है। तो यदि आपको कभी लगता है कि बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर इस सिरप का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो है चेरी फ्लेवर में है, बच्चे को फ्लेवर सिरप जो है पीने में आसानी रहती है। तो साथियों हमने देखा यदि बच्चों में खांसी की समस्या है तो आप इस सेवन सिरप का सेवन कर सकते हैं, पर इसकी डोज का ध्यान रखें, जो हमने आपको डोज बताई है वही डॉक्टर दिलवाते हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, सेल्फ मेडिकेशन हमेशा हार्मफुल होता है। तो आज हमने देखा छोटे बच्चों में खांसी के लिए हमेशा टिक्सिलिक्स का सेवन करें। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको लगता है कि आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।